हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद आया हूँ। वैसे आप लोग को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आया हूँ कि नहीं। तो आज मैं करने वाला हूँ XR का वीडियो। तो मैं बता देता हूँ टाइटल, क्योंकि बहुत दिन बाद आया हूँ। शुड यू बाई iPhone XR, क्योंकि आपने तो थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप उसे परचेस कर सकते हो कि नहीं? iPhone XR अभी बहुत, जैसे कि पुराना नहीं हुआ, उसका बजट भी लो गया है। तो मैं बताऊँगा पूरा कि कैसे करते हैं। तो ये सब ताम झाम नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है iPhone XR। एक सेकंड में निकाल दूँ। ये है iPhone XR। जिसको नहीं मालूम है मेरे व्यूअर्स को, कि मैंने iPhone 6 से अपग्रेड किया है iPhone XR पे, अभी कुछ 5-6 महीने हुए हैं। सो मैं ये 5-6 महीने का रिव्यू एक साथ डाल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ साफ साफ। मैं जो बोलूँगा साफ साफ बता दूँगा कि कैसा लग रहा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और आप ख़रीद सकते हो कि नहीं, सब कुछ। तो ये आपको मिल जाएगा अमेज़ोन पे 48-49 के अराउंड अमेज़ॉन पे, और रिटेल में भी इतना ही पे मिल रहा है। तो दाम तो गिर चुके हैं, मगर इस प्राइस पे आपको आईफोन 11 आ जाएगा, मतलब कि 2-3-4 हज़ार लगा के 52-53 थाउजेंड में। बट क्या ये वॉर्थ इट है? देखो भाई, मैं बता दूँ, कैमरा इसका चुम्मा लाजवाब है भाई। एप्पल फैन बॉय सब जानते हैं, आईफोन जो XR चलाते हैं, लाजवाब कैमरा है। बट 11 में क्या है कि एक एक्स्ट्रा कैमरा लगा दिया है, जो वो भी बहुत काम करता है, बट ये भी उसके काम करता है। ये एक कैमरा सब संभाल लेता है। थोड़ा नाइट मोड इसका थोड़ा ठीक है, वो दिमाग लगा के हो जाता है। और आईफोन 11 भी आप ले सकते हो, बट आईफोन 11 में आप ना ईयरफोन मिलेगा, ना आपको चार्जर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आईफोन XR में मुझे ईयरफोन, चार्जर, डाटा केबल सब चीज़ मिला, क्योंकि अब तो आईफोन ने सब चीज़ निकाल दिया है। तो ये एक तरह से आप ये ले सकते हो XR, शायद XR में आपको ये मिल जाए। दूसरी ख़ास बात कि ये हम पूरा रनिंग OS पे चलता है, यानी कि पूरा जो लेटेस्ट OS है उस पे चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन तो इसका लाजवाब है। मैं बैक कवर में लगा के चलाता हूँ तो लगता है किसी को 10 लगता है, तो 10 से भी अच्छा इसका कैमरा है। अब बात कर लेते हैं, और हाँ, मैं बताना भूल गया, अमेज़ॉन पे लिंक दे दूँगा, क्योंकि थोड़ा चैनल के ही हेल्प हो जाता है। तो आप लोग कुछ अगर परचेस कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे लिंक से कर लो यार, फ़ायदा हो जाएगा। इसका कैमरा बॉय बॉय, मैं कभी अपना कैमरा ले जाना भूल जाता हूँ तो ये बहुत काम आता है। सो दिस इज़ वेरी बीस्ट, कैमरा के मामले में बीस्ट है। और भाई जो एप्पल फैन बॉय हैं, ये सब फालतू का ये सब नहीं सुनते हैं कि कैमरा कैसा है, वो कैसा है, ये बस उठा लेते हैं। अगर आपके एप्पल का बजट, जैसे कि आईफोन अभी तो 12 प्रो मैक्स आ गया, अगर उसका बजट है तो आप वो ले लो। मैं कंपेयर बता रहा हूँ कि आईफोन, क्योंकि इसका कंपेयर करने के लिए आईफोन 11, 12 और XR के बीच हो रहा है। तो 12 तो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा, वो 70,000 के आसपास है, तो वो जिसका बजट है वही ले भैया। ये 11 से 4-5 हज़ार सस्ता है, आप ये बजट में रिकमेंड कर सकता हूँ। EMI पे भी लोगे तो EMI भी सस्ती पड़ेगी, बजाज फाइनेंस आपको आराम से मिल जाता है। हाँ, बट मोबाइल जब भी लें तो अमेज़ॉन से लें, नहीं तो जाके रिटेल स्टोर, जैसे कि प्रीमियम स्टोर होता है एप्पल का, हर जगह पे होते हैं अपने, तो वहाँ से ले। मैंने भी वहीं से लिया, मैंने वाइट कलर में लिया है। आप, और इसमें बस एक ही कमी है, जो एंड्रॉयड यूज़र जो हैं वो अगर इस पर ट्रांसफ़र करेंगे, नए मोबाइल पहली बार चलाएंगे, तो इसमें 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, वो आपको सेपरेटली ख़रीदना पड़ेगा, जो बॉक्स में भी नहीं आता है। मैं 5 महीने से चला रहा हूँ, इसका बैटरी बैकअप आप देख लोगे, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, मैं तो कम यूज़ करता हूँ, बट आजकल मैं iMovie भी इससे यूज़ करने लगा हूँ। तो मैं फुल चार्ज करता था स्टार्टिंग में, जब मैंने लिया था तो आराम से 1.5 दिन हंस के चल जाता है। अब है कि थोड़ा यूज़ रफ हो गया, पुराना 5-6 महीना हो गया, तो ये आराम से 1 दिन आराम से दे देता है भैया, कोई टेंशन की बात नहीं, 1 दिन से ज़्यादा ही दे देता है, 24-28 घंटे। तो बैटरी बैकअप के मामले में बेस्ट है बेस्ट। आप बात कर लें, इसमें A12 बायोनिक चिप है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दम स्मूथ चलता है, दम स्मूथ। मैंने 5-6 महीने चलाया है, 5-6 महीने चला रहा हूँ, एक भी लैग नहीं मिल रहा है इस पर। तो आप जान सकते हो कैसा चल रहा है यार। तो यार मैं बीच में बोल भी रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, सब के सब चैनल इतने आगे बढ़ रहे हैं, मेरे यहीं रुके हुए हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अमेज़ॉन से जो भी लिंक दूँ खरीद लिया करो यार, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और हैप्पी न्यू ईयर बहुत लेट। और इसका इंटरफेस देख लो आप, कितना खूबसूरत है, देख लो तो कितना खूबसूरत, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आईफोन, आप आगे से आपको तो लगेगा ही नहीं कि आप आईफोन XR चला रहे हो, लगेगा 12 चला रहे हो। तो
दिस इज मैटर मोस्ट। ये था छोटा सा आईफोन XR का रिव्यू। तो मैं बता दूँ, अगर प्रॉब्लम है बजट का तो ये ले लो, नहीं तो 11 लो। मगर 11 में आपको ना आपको सेपरेटली ख़रीदना पड़ेगा चार्जर, समझ सकते हो चार्जर ख़रीदना पड़ेगा यार। तो इससे अच्छा मैं क्यों ये क्यों नहीं लूँ। तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन जो XR। और देखो यार, कुछ बेजल उजल का बहुत कंप्लेन करते हैं कि इसका बेजल मोटा है। मैं तो चला रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है। इनके भी सेम है, और 12 का थोड़ा अब तो चेंज हो गया है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा 11 12 क्या यार, सब बेस्ट है बेस्ट। और एक बार आप इसमें आ जाओगे आईफोन के, अगर आप जो एप्पल फैन बॉय हैं वो जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप एक बार एंड्रॉयड से iOS में करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी अभी iOS ले लिया शुरू किया है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा मस्त। बट वो हमेशा के यूज़र हो जाएंगे। तो आप हाँ, और ये बात कि ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये एप्पल में XR में तो आपको चलाना है एक साल, क्योंकि एंड्रॉयड के मोबाइल एक साल के बाद हमेशा हम लोग चेंज कर देते हैं। बट मैं जो 6 चलाया मैंने 4 साल चलाया। अब सोच सकते हो वो 4 साल चला तो ये कितने साल चलेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये चला रहे हो तो आपका 4 to 5 years कहीं नहीं गए। हाँ, 4 to 5 years के बाद आप बदल लो, लेटेस्ट वाला ले लो, बट दिस इज़ द बेस्ट। अब जान ही रहो, बीस्ट बोल रहा हूँ तो बीस्ट ही रहेगा। ये तो यही था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो। जैसे आपने XR की वीडियो को प्यार दिया था, इसको भी प्यार दो। तो मिलते रहेंगे ऐसी कोई नई वीडियो के साथ। अब मैं रेगुलर आऊँगा, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यासिर रज़ा वायर सर्च मारोगे तो आ जाएगा। उस पर फॉलो करो यार, थोड़ा उस पर भी फॉलोअर बनाओ, रील्स भी बनाता हूँ मैं। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ। बाय, सी यू।